गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लौटेगी तानाजाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लौटेगी तानाजाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लौट सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लौट सरकार होश में आओ। भाजपा बजरंग मंडल द्वारा बिजली की बढ़ी दरों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। बिजली बिल की दरों में कटौती व गरीब लोगों के बिजली बिल को माफ करने की कर रहे हैं मांग। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भाजपा बजरंग मंडल द्वारा बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने व गरीब लोगों का बिजली का बिल माफ करने को लेकर अजमेर के मुख्य विद्युत कार्यालय पर बजरंग मंडल द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC, ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज पूरे प्रदेश भर के आह्वान पर अजमेर भाजपा बजरंग मंडल के द्वारा जो विद्युत विभाग का जो मुख्य प्रबंधक साहब का जो ऑफिस है इसके बाहर हमने प्रदर्शन किया है और गहलोत सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करके इनसे मांग की है कि जिस प्रकार लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है, चाहे फ्यूल चार्ज के तौर पर हो, चाहे दरों के तौर पर हो, चाहे यूनिटों की शुल्क के तौर पर, लगातार इनमें वृद्धि की जा रही है और पूर्व में भी लगातार BJP के द्वारा इनका विरोध किया गया, परंतु आज दिनांक तक भी गहलोत सरकार होश में नहीं आ रही। वह स्वयं सिर्फ सरकार को बचाने में लगी है, खुद की आम जनता गरीब जो कि बिजली के करंट से, चूंकि शुल्क इतना बढ़ रहा है कि उनको करंट जो बिजली का नहीं अपितु जो शुल्क लग रहा है उसका करंट से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आम जो जनता है वो पीड़ित है। आज इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द जो ये फ्यूल चार्ज ये वापस ले, जो शुल्क जो दरें जो बढ़ाई है उसको वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगे भी आगामी इसी प्रकार के आंदोलन जारी रहेंगे। राजीव भारद्वाज बगरू, मंडल उपाध्यक्ष, भाजपा बजरंग मंडल अजमेर। आज प्रदेश के आह्वान पर बजरंग मंडल के नेतृत्व में हमारे पार्षद भाई जो बंडल मंडल अध्यक्ष हैं महेंद्र जी यादव, उनके नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ पे एक हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। उसके अंदर हमने ये गहलोत सरकार से ये बताने की कोशिश करी कि भी आपकी किस तरह कर्मी का कर रही है। आपने बोला था कि हम बिल माफ़ करेंगे, बिल माफ़ बनना तो बहुत दूर की बात है। जो पूर्व के अंदर 1.375 रुपये पर यूनिट आता था उसको आपने पूरे स्लेब से हटा दिया, 7 रुपये पर यूनिट से कम आप बिजली नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके लिए हमने पूर्व में भी हमने यहाँ पे वैशाली के अंदर भी धरना प्रदर्शन किया था। और हम ये कहना चाहते हैं कि गहलोत सरकार से कि अति शीघ्र इस ओर ध्यान दें, अन्यथा हमें प्रदर्शन कहाँ भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और मैं एक इन्हें कहता हूँ कि जब प्रियंका गांधी खुद स्वयं कहती है कि भाई जहाँ पे भी एंटी गवर्नमेंट है, एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पे ये बोलती भाई हमें बिल माफ़ करो, ये हमारी UP सरकार को बोलती बिल माफ़ करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ राजस्थान में तो आपकी खुद की गवर्नमेंट है, यहाँ तो बिल माफ़ करिए। और जिस तरह से इन्होंने कर रखी है, जबकि आज की तारीख में MP में बिल माफ़ है, उसके साथ के साथ जो रेट है राजस्थान की वो भी दूसरे राज्य से ज़्यादा है यहाँ की रेट है। और इन्होंने अति शुल्क मतलब स्थायी शुल्क लगा रखा है, से नगर करंट लगा रखा है, जाने पता नहीं किन कौन से कर लगा रखे हैं। हमने जब टाटा वालों पावर वालों से कहा तो उन्होंने बोला साहब हमें तो गवर्नमेंट जो देगी ऑर्डर तो हम कम कर देंगे। उसी के तहत आज हम यहाँ पे आए हैं और राज्य के आह्वान पे आए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे भी जहाँ पे भी जरूरत पड़े, कलेक्टर साहब के 2 तारीख को धरना प्रदर्शन है, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो जयपुर भी जाएंगे। और इनको आके बैकफुट आना ही पड़ेगा और ये गरीबों का बिल माफ़ करना ही पड़ेगा। जिस तरह से इन्हें लुटेरा का काम कर रखा है वो आज इन्होंने सिर्फ अपने खजाने भरने के अलावा कोई काम नहीं है। ये अपनी खुद की गवर्नमेंट बचाने के लिए नहीं बचा नहीं पा रहे हैं तो पब्लिक का क्या करेंगे। पूरा राजस्थान देख रहा है कि इनकी किस तरह की हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गहलोत सरकार से अति शीघ्र होश में आओ, अन्यथा आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। प्रकाश मेरा पार्षद। गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो।
लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।